सर्विस प्रोसेस मैट्रिक्स इज अनदर टूल अवेलेबल जो सर्विस इंडस्ट्री सर्विस प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है ये टूल बेसिकली इफ यू लुक एट दिस डायग्राम इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अंदर वी हैव डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन कितने कस्टमाइज आपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी जगह है डिग्री ऑफ लेबर वर्टिकल एक्सेस में कितना लेबर की रिक्वायरमेंट कितनी है अच्छा इसके अंदर वी हैव फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस फैसिलिटीज वन इज मास सर्विस ठीक है द अदर वन इज प्रोफेशनल सर्विस देन वी हैव सर्विस शॉप एंड सर्विस फैक्ट्री दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस फैसिलिटीज वी हैव मास सर्विस के अंदर कमर्शियल बैंक्स आते हैं जहां कस्टमर डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है बंदे आ रहे हैं कैशियर के पास पैसे लेने के लिए टेलर के पास उसको चेक दिया उधर से पैसे ले लिए सो so, इतना ज़्यादा उसके अंदर जो डिग्री ऑफ़ कस्टमाइजेशन है वो बहुत लो है लेकिन जो लेबर है डिग्री ऑफ़ लेबर वो ज़्यादा है काम अच्छा खासा है इसमें है और इसी से रिलेटेड अगर हम प्राइवेट बैंकिंग के अंदर चले जाएं तो उधर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं ठीक है उसके अंदर ये जो है क्या कहते हैं एक कस्टमाइज़ uh, जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की, तो की जाती है स्टैंडर्ड नहीं होती है सर्विसज कस्टमाइज ज़्यादा होते हैं प्राइवेट बैंकिंग में तो उधर काउंसलिंग वगैरह होती है कंसल्टेंसी होती है और वह प्रोवाइड की जाती हैं उसके अंदर लेबर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कमर्शल बैंकिंग में बट कस्टमाइजेशन बहुत हाई है इसी तरह इफ़ वी लुक एट जनरल पर्पस लॉ फर्म्स उसके अंदर डिफरेंट वो आते हैं क्लाइंट्स डिफरेंट टाइप्स के आते हैं और हर एक का अपना डिफरेंट केस है तो उसमें कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है ठीक है और लेबर भी रिलेटिवली हाई है लेकिन इसी तरह अगर उसको हम कनेक्ट करें विद लॉ क्लिनिक्स जो कि होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस को हैंडल कर रहे होते हैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो इधर कस्टमाइजेशन इतनी हाई नहीं होती और लेबर भी लो होती है इसी तरह रिटेलिंग के अंदर अगर हम चले जाएं बोटीक लेबर हाई होगी अगर हम देखें रिटेलिंग में वेयर एज जो वेयरहाउस और कैटलॉग स्टोर हैं उधर लेबर बहुत लो होती है एंड डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन भी बहुत लो होती है फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर अगेन इट इज़ रिलेटिवली हाई कस्टमाइजेशन बट जो लिमिटेड सर्विस स्टॉक ब्रोकर है उसके अंदर कस्टमाइजेशन इज़ लो एज़ वेल एज़ लेबर इज़ लो सो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में अगेन कस्टमाइजेशन लो होती है सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ें बन रही होती हैं लेकिन अगर आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में चले जाएं तो उधर आपके डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं डिफरेंट तो उसमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा हो जाती है बट दोनों केसेस में लेबर रेलिटिवली लो होती है एयरलाइंस इसके अंदर कस्टमाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती लेबर भी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन एक है जो कि लो फ्रिल एयरलाइंस हैं वो बिल्कुल ही उनकी लो होती है कस्टमाइजेशन एज वेल एज सर्विस क्योंकि वो अंदर कोई खाना वगैरह ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते हैं ऑर्डर पर आपने पेमेंट की हुई है तो वो प्रोवाइड करेंगे वरना नहीं करेंगे तो ये सारा चीज़ें जो हैं ये एक मैट्रिक्स होता है प्रोसेस डिज़ाइन में सर्विस मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है टाइप इसके अंदर कितनी लेबर की ज़रूरत है और कितनी कस्टमाइजेशन का होगी होगी ज़्यादा और उसके अंदर किस लेवल के लोगों को हमें एम्प्लॉय करना चाहिए